हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू आर आर डूइंग फाइन एंड आज हम काफ़ी डिफरेंट वीडियो करने वाले हैं फ्रेगरेंसेज के ऊपर आई थिंक मैंने शॉर्ट्स में फिर भी बात की है बट इन अ लॉन्ग फॉर्म विडियो आई हैव एंड रियली टॉक्ड अबाउट फ्रेगरेंसेज मच मेन मेन रीजन बींग कि मुझे नोट्स डिस्क्राइब करने नहीं आते हैं वैन इट कम्स टू फ्रेगरेंसेज इट इज़ इधर आई लाइक अ फ्रेगरेंस और आई डोंट लाइक अ फ्रेगरेंस बट वेन आई लाइक अ फ्रेगरेंस एंड आई एम एम एक्सप्लेनिंग इट टू समन आई एम वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग फ्रेगरेंसेज तो ये चीज आप इस वीडियो में भी ध्यान में रखना दैट आई विल इंसर्ट ऑल द नोट्स यहाँ पे बट आई एम नॉट ग अटेम्प्ट एक्सप्लेनिंग द नोट्स बिकॉज आई एम

परफ्यूम्स एंड थोड़े बहुत बॉडी मिस्ट शेयर करूंगी एंड आई टेल यू व्हाट फ्रेग्रेंस आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट एंड व्हाट आई विल रेट द परफ्यूम्स एंड यस ऑब्वियसली नन ऑफ दिस परफ्यूम्स आर हाई एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड ड्रग स्टोर तो ये इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड फ्रेग्रेंस अंडर अ बजट तो ये आपके एकदम परफेक्ट वीडियो होने वाली है सो ये यू इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक अट अवमेंट हट दैट रेट सब्सक्राइब बटन नाउ विदउट एनी फॉर द ब्लाइंग right into the video. तो सबसे पहले ना मेरे पास यहाँ पे प्लम के बहुत सारे बॉडी मिस्ट्स हैं बिकज़ यू गाइज नो दैट आई शॉप अ लॉट फ्रॉम प्लम एंड वो लोग यूजुअली ना ये जो छोटे छोटे मिनी बॉडी मिस्ट्स हैं ये अपने फ्रीबीज में देते रहते हैं ऑर्डर्स में सो आई हैव क्वाइट अ बंच ऑफ देम एंड इनकी जो फ्रेगरेंसेज़ हैं इसमें आपको ई भी मिल जाएंगे बॉडी मिस्ट भी मिल जाएंगे यूल गेट बॉडी लोशन शार जेल वॉट नॉट तो मैं आप लोगों को क्विकली एक ब्रीफ दे देती हूँ इन फ्रेगरेंसेज़ का जो प्लम की मेरे पास हैं विच

या इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक अ बीच ऐसा लगेगा बिल्कुल आप एक ट्रॉपिकल सी लोकेशन पे आ गए हो एंड एकदम वो हवाई वाली वाइब्स आपको आएंगी सो इफ यू आर समवन जिसको सी सॉल्टी वो वाली फ्रेगरेंस पसंद है लाइक ओशन वाइब्स तो आपको ये वाली फ्रेगरेंस काफी ज़्यादा पसंद आएगी नाउ इफ़ यू वॉन्ट आप ये मिनी ट्राई कर सकते हो टू फिगर आउट वॉट फ्रेगरेंसेज यू लाइक एंड उसके बाद आप इसका बड़ा वाला वर्जन भी ले सकते हो एंड इफ यू वॉन्ट लॉन्गर लास्टिंग यू नो परफ्यूम तो आप इसका ईडी भी ले सकते हो सो दिस वॉन्ट

जियॉली ज्योली लाइक दिस फ्रेगरेंस लाइक इट जस्ट स्मेल्स लाइक ऑरेंजेज एंड यू नो लाइक अ स्ट्रीट्रस फ्रूट एकदम परफेक्ट फ्रेगरेंस है एंड ई डी पी और ये मैं दोनों लेयर कर लेती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है इस वन विल बी अ सॉलिड नाइन ऑन टेन फॉर मी नेक्स्ट इज द क्लासिक वनीला वाइपस फ्राम प्लम ये तो बहुत ही पुराना फ्रेगरेंस है एंड यूल स्मेल लाइक अ स्वीट बेकरी And yeah, it is a very very sweet fragrance. I have observed that this fragrance is not everyone's cup of tea. Either you will love it or you are going to hate it. And I have observed that most of my female friends and girls around me, they really really like this fragrance and they like to smell like a bakery. And it is a very sweet fragrance. But boys around me do not like this fragrance. Neither my father likes this fragrance nor my brother likes this fragrance. Neither of my friends love this fragrance.

One is this one. This is smoking vanilla again from Plum Body Loving, and this one is amazing. Oh, it smells hot. Like, it smells smoking vanilla. And, uh, like, date night ke ye fragrance, I think it's perfect. And, mujhe fragrance is very So, I have a friend who loves this fragrance. And she got me hooked on to this one. This one is the best fragrance out of the lot. Like, Trippin' Mimosa was a 9 on 10 for me. But, this smoking vanilla is like a solid 10 on 10 for me. Plum -ki, uh, fragrance, which range, I perfume a favorite hai ye wala fragrance. So, yes, definitely. इफ यूर जिसको एकदम स्मोकी और स्वीट वाला जो ब्लेंड है ना वो पसंद है तो यू आर गर्ना लव दिस फ्रेगरेंस डेफिनेटली चेक दिस वन आउट नाउ मूविंग ऑन टू ऑल माई ई सबसे पहले मेरे पास ये मिनीसो का परफ्यूम है दिस इज़ कॉल्ड शाइन आइसलैंड अरोरा एंड दिस वन आई गॉट लाइक वे बैक फ्रॉम मिनीसो एंड दिस वन इज़ लाइक माई एवरी डे फ्रेगरेंस वेन देर इज़ नथिंग स्पेशल और सो तो मैं इसी फ्रेगरेंस को लगाती हूँ यूजअली यू विल फाइंड मी स्मेलिंग लाइक दिस स्पेशली वैन आई एम एट होम एंड नॉट गोइंग एनी वेयर आउट मैं यही वाला फ्रेगरेंस लगाती हूँ एंड इट इज़ लाइक pretty good fragrance for an everyday purpose not very special or very you know uh, different but theek hai acha fragrance hai so i'll rate it like a 5 or 6 out of 10 and it lasts also pretty long like 4 to 5 hours to ye bahut aaram se last karta hai uske baad you will want to reapply it uh, Coming next to रेनेस perfume, तो रेने के ना तीन perfume मैंने mini size में मंगाए थे and ये तीनों ही perfumes मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए that after ending the minis I got फुल साइज वर्जन ऑफ ऑल द थ्री फ्रेगरेंसेज दैट इज़ हाउ मच आई लव द थ्री फ्रेगरेंसेज तो सबसे पहले है ये जेने का ब्लूम परफ्यूम एंड इट इज़ लाइक अ वेरी फ्लॉरली फ्रेगरेंस इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है सो लाइक वेन एवर आई स्निफ इट आई इमेजिन लाइक अ ब्रांच और मे बी अ पिकनिक वाइव लाइक इन द सॉफ्ट फेमिन गर्ल एरा डे वाइव्स सो दैट इज़ वॉर दिस परफ्यूम रिमाइंड मी ऑफ एंड ये बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है इफ़ यू आर हैविंग लाइक अ यू नो अ ड्रेस फ्लोइ ड्रेस गोइंग ऑन ऑटम स्प्रिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट फ्रेगरेंस है यह तो मुझे फ्रेगरेंस काफी अच्छी लगती है एंड वेन एवर आई एम गोइंग आउट ड्यूरिंग द डे दिस इज द फ्रेगरेंस दैट आई ऑप्ट फॉर नाइंटी परसेंट ऑफ द टाइम एंड आई एब्सोल्यूटली लव दिस फ्रेगरेंस सो आई विल गिव इट लाइक अ सॉलिड एट ऑन टेन द नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम रेने दिस इज देर डार्क डिजायर एंड दिस आई रियली रियली लाइक इट आई कैन क्लियरली इमेजिन लाइक अ डेट नाइट Set up with this perfume, like it is a very sultry and a very um परफेक्ट फॉर अ डेट काइंड फ्रेगरेंस मुझे फ्रेगरेंस बहुत पसंद है एंड मैने वाई आएम गोइंग आउट ड्यूरिंग नाइट एंड लाइक फॉर पार्टी इज मोस्टली आई लाइक टू अपलाई दिस परफ्यूम एंड ओमाई गॉथ दिस स्मेल अमेजिंग एंड रेने के परफ्यूम के साथ एक चीज जो मैंने देखा है दैट देर लास्ट प्रिटी प्रिटी लॉन्ग सो दैट इज अगैन समथिंग दैट इज रियली लाइक अबाउट इट मुझे ज़्यादा इसको टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इवन इफ लाइक आई एम आउट डांसिंग और पार्टींग तब भी है ना काफ़ी अच्छा टिकता है सो या दैट इज़ वाई आई लव दिस परफ्यूम्स एंड दिस फ्रेन फ्रेगरेंस विल डेफिनेटली गेट अ सॉलिड नाइन ऑन टेन एंड द लास्ट बट नॉफ द लीस्ट इज दिस वन दिस इज द रेड नॉयर फ्राम रेने नॉ नॉट ओनली फ्राम रेने ये मेरा आउट ऑफ एवरी परफ्यूम दिस वन इज माई फेवरेट फ्रेगरेंस एंड इसका बॉटल भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लाइक आई एबसोल्यूटली लव दिस फ्रेगरेंस ये फुल बॉटल लेने से पहले मैं इसके गे वाले मिनीज गॉड नोज हाउ मनी एव यूज दैम तीन चार तो मैं खत्म कर चुकी हूँ एंड देन आई फाइनली गॉट द फुल वेरियंट ओ माई गॉड दिस जस्ट स्मेल्स यमी ये वाला फ्रेगरेंस तो मैं आपको समझा भी नहीं सकती बिकॉज इट इज़ जस्ट वे पास्ट माई ब्रेन आई कैन नॉट रजिस्टेड फ्रेगरेंस इज वेल आई जस्ट नो दैट आई एब्सोल्यूटली लव दिस फ्रेगरेंस And whenever there is a special occasion, you will find me smelling like this perfume. And you're gonna love this perfume. I will say, if, like whatever your fragrance choices is, I will say this ka nah mini zaru leke dekhna. And I'm sure that you're gonna love this perfume because I perfume man, female friends ko gift. Like, as far as I can remember, every single female person in my life has gotten this one as a gift from my side, and they all loved it. So I think. यू आर कर्न लव इट टू जस्ट गिव इट टू ट्राई एंड थैंक मी लेटर एंड ये तो मेरा एकदम फेवरेट है सर आई विल गिव इट लाइक अ ट्वेंटी आउट ऑफ टेन दैट इज़ हाउ मच आई लव दिस परफ्यूम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ये मेरे पास जीवा का परफ्यूम है दिस वन इज़ इन द वेरियट अरोरा नाउ दिस परफ्यूम आई डोंट रियली लाइक मच तो इसका फ्रेग्रेंस भी मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि आप काफी टाइम से मैंने यूज नहीं किया है या इट इज लाइक एन ओकेश फ्रेगरेंस आई लीव द नोट्स हियर। इट जस्ट स्मेल स्मेल वेरी मीडियोकर। लाइक इस परफ्यूम और इस परफ्यूम इन दोनों की फ्रेगरेंस ना काफी ब्लैक ओकेश है तो ये वाला परफ्यूम भी मतलब मैं कभी कभी ऑन एन एवरीडे बेसिस घर पे ही अगर मैं हूँ मैं कहीं जा नहीं रही हूँ एंड आई जस्ट वांट टू स्मेल गुड नॉट सो स्पेशल ओकेजन तो मैं ये परफ्यूम लगा लेती हूँ ओनली एंड ओनली बिकॉज आई हैव टू फिनिश इट एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसे ज़्यादा यूज नहीं किया है इसको खरीदे हुए एक डेढ़ साल से ऊपर हो चुका है नाउ वाई डिड आई बाई इट बिकॉज मुझे नहीं पता था कि जीवा की फ्रेग्रेंसेज भी एंड वैन दे लॉन्चड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गिव इट अ ट्राई तो मुझे लगा कि शायद से ये अच्छा होगा एंड द बॉटल वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी इसका जो पैकेजिंग था वो भी बहुत अच्छा था सब कुछ अच्छा था मे बी द नोट्स ऑन दिस फ्रेग्रेंस इज नॉट दैट गुड बट देन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द अदर फ्रेगरेंसिस फ्रॉम द ब्रांड इज वेल बट येस एक चीज है कि ये उतना ज्यादा लास्ट नहीं करता है एंड ऑल्सो आई डोंट रियली इंजॉय द फ्रेग्रेंस वेरी मच सो आई विल गिव इट फोर और अ फाइव ऑन टेन

क्स वेरियंट मे बी इसमें दो वेरियंट्स uh, थे आई एम नॉट श्योर कि दूसरा वाला कहाँ है बट द अदर वन आई लीव द नेम योर आई जस्ट नो दैट आई डो नॉट लाइक दैट परफ्यूम वेरी मच एंडट इज द रीजन आई डोंट यूज इट मच एंड आई डोंट नो वेयर इट इज़ बट या आई गिव दैट वन लाइक अ सिक्स ऑन टेन बट दिस वन इज एन एब्सोल्यूट टेन ऑन टेन फॉर मी लाइक ये एकदम मतलब हाँ अगर इफ आई एम गोइंग टू अ रेड कार्पेट इवेंट आई माइट लव टू स्मेल लाइक दिस वन या आई एब्सोल्यूटली लव दिस फ्रेगरेंस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेगरेंस है इफ़ देर इज़ एन एक्स्ट्रा स्पेशल ओकेजन ओनली दैट इज़ वेन आई यूज़ दिस परफ्यूम एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी गुड परफ्यूम इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है लिविंग ऑल द नोट्स योर इट इज़ अ वेरी 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 गुड परफ्यूम डेफिनेट टेन ऑन टेन फ्रॉम माई साई नेक्स्ट परफ्यूम इज़ दिस वन अगेन फ्रॉम रेने तो जो मैंने मिनीज मंगाए थे ना मैंने चार के सेट में मंगाए थे दिस वन वॉज द फोर्थ वन ये ऊ दायर नाउ आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है बट आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल इट स्मेल्स लाइक इट व्योअर्डली स्मेल्स लाइक अगरबत्ती या धूप वाला जो खुशबू होता है ना वो वाली इसकी खुशबू है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आई हेट दिस फ्रेगरेंस नॉट ओनली डिसलाइक आई आपसेल्यूटली हेट दिस फ्रेगरेंस आई कैन नॉट स्टैंड दिस फ्रेगरेंस तो इसको ना मैंने पर्दों पर डाल डाल के रूम फ्रेशनर के जैसे यूज़ किया हुआ है वो भी बाहर वाले रूम में नॉट इवन इन माई रूम बिकॉज माई मॉम डज नॉट माइंड दिस फ्रेगरेंस तो मैंने उनके रूम में इसको रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करके खत्म किया हुआ है इतना आई एप्सोल्यूटली हेट दिस फ्रेगरेंस आई गिव इट वन ऑन टेन नाउ अभी मैंने ना री रिसेंटली ये तीन चार परफ्यूम का सेट मंगाया था फ्रॉम बेलाविटा एंड इसमें से मैं कुछ परफ्यूम्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ uh, इसका एक परफ्यूम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका पता नहीं क्या नाम है आई लीव दिस वन यर वो मेरे ना एवरी डे बैग में है आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ बट उसके नोट्स में यहाँ पे दे दूंगी इट इज़ माई फेवरेट आउट ऑफ द फोर मुझे बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेगरेंस पसंद है तो अभी रिसेंट में तो एवरी डे आई बीन वेयरिंग दैट परफ्यूम ओनली लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू द अकेडमी यूजल छोटा मोटा इधर बाहर बार जा रहे हैं ग्रोसरी शॉप ंग शॉपिंग तो मैं वही परफ्यूम लगा रही हूँ इट स्मेल वेरी वेरी गुड द सेकेंड वन आउट ऑफ द फोर इज दिस दिस इज़ इन द वेरियट रोज तो ये चारों ना वेमेन वाले इनके पैक्स आते हैं एक मैन फ्रेगरेंस का सेट है एक वुमेन फ्रेगरेंस का सेट एंड देव यूनिसेक्स ऑल्सो मैंने यूनिसेक्स वाले भी ट्राई किए हुए हैं बट वो भी सारे खत्म हो गए हैं एंड आई डो नॉट हैव द एमटीज ऑल्सो सो दिस वन इज़ द रोज एंड इट स्मेल स्ट्रेट अप रोज मेरे पास ना बचपन में यार्डले का इंग्लिश रोज़ वाला न, वो था डिओड्रेंट एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट या एंड इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ़ माय स्कूल डेज ऐसा बोलते हैं ना फ्रेगरेंसेज से आपकी मेमोरीज लिंक हो जाती है तो अगर कोई एकदम से फ्रेग्रेंस आपको किसी मोमेंट की याद दिला देती है इफ़ यू वर वेयरिंग दैट फ्रेगरेंस अराउंड दैट टाइम सो दिस फ्रेगरेंस रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल डेज एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी नोस्टैल्जिक मैं जब भी इस परफ्यूम को लगाती हूँ ना मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आने लग जाती है फॉर सम रीज़न बट येस इट इज़ वेरी वेरी गुड परफ्यूम अगर आपको फ्लोरल फ्रेगरेंसेज पसंद है स्पेसिफिकली रोज़ की फ्रेगरेंस सो दिस वन इज़ द परफेक्ट परफ्यूम फॉर यू ये भी अच्छा खासा टाइम लास्ट करता है एंड वेन एवर मोस्टली वैन एवर आई एम वेयरिंग इंडियन आई लाइक टू अप्लाई दिस परफ्यूम स्पेषली ड्यूरिंग द डे इफ आई एम वेयरिंग एन एथेनिक आउटफिट तो मैं ये वाला परफ्यूम लगाती हूँ एंड इट ज स्मेल्स वेरी वेरी गुड तो मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद है आई रेटेड सॉलिड एट ऑन टेन नेक्स्ट परफ्यूम इज दिस वन दिस इज अ डेट वुमेन अगेन फ्राम बेलावीटा या इट स्मेल्स वेरी वेरी नाइस

सो आई विल गो फॉर इट बट अगर एकदम प्रॉपर डे डेट नाइट है आई माइट नॉट गो फॉर दिस वन ऑल्दो द फ्रेगरेंस इज़ वेरी वेरी नाइट बट इट जस्ट डिज नॉट स्क्रीम डेट नाइट टू मी बट हाँ फ्रेगरेंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाइक अ सेवन ऑन टेन फ्रॉम मी दैन लास्ट इज़ दिस वन सैनोरिटा सेनोरिटा वुमेन अगेन फ्रॉम बेलाविटा एंड दिस वन स्मेल वेरी वेरी गुड आप देख सकते हो इसको तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है एंड अगैन दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेगरेंस विच यू नो आई माइट वेयर for a girl's outing. लाइक अ गर्ल्स ब्रांच और मे बी अ गर्ल्स नाइट आउट लाइक अ गर्ल थिंग ही वो वाला मुझे इससे रिमाइंड होता है अगेन अ वेरी वेरी गुड फ्रेगरेंस नॉट माई मोस्ट फेवरेट बट नॉट द वर्स्ट ऑल्सो आई रेटेड सिक्स आउट ऑफ टेन सो यस दिज वर ऑलमोस्ट ऑल द परफ्यूम्स दैट आई हैव एक दो और होंगे इधर उधर मम्मी के रूम में या कहीं पर रखे होंगे बट वेरी मच ऑल द फ्रेगरेंसिज दैट आई हैव नाउ द मेजर रीजन आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो इज ताकि आप लोग मेरी रेटिंग से एक आइडिया लगा पाओ कि अंडर अ बजट वोट ऑल परफ्यूम्स यू कैन गेट क्योंकि ये सारे ही परफ्यूम्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल एंड मोस्टली इन सब पे ना काफी अच्छे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं आई डो नॉट प्लर्ज यॉट वैन इट कम्स टू परफ्यूम एटलीस्ट एज ऑफ नाउ बट ये सारी फ्रेग्रेंसेज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई वॉन्टेड टू मेक लाइक अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो फॉर यू ऑल तो येस इफ़ यू आर ऑन हंट फॉर गुड परफ्यूम्स अंडर अ बजट मैं ये सारे ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो यू कैन चेक दैम आउट एंड अगर आपको आज का अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई शल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय